हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी बगिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह आसानी से मॉनसून में मनी प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट का पौधा कितना सुंदर है और इसमें कितनी सुंदर वेरिएशन आई हुई है। देखिए कितनी, आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना हेल्दी है। इसके कलर से ही आप इसके हेल्दी होने का पता लगा सकते हैं। देखिए इसने कितनी शूट्स निकाली हुई हैं, नीचे भी और ऊपर भी। देखिए ये छोटी लीव्स वाला मनी प्लांट है और ये मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और उसमें देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। आज लेंगे हम इसके कुछ कटिंग्स और हम इस मनी प्लांट से और ढेरों पौधे तैयार करेंगे। चलिए, जो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा इसकी स्टेम हो रही है उनको मैं ले लेती हूँ। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है इस टाइम, देख पा रहे होंगे आप, पर ये बारिश में नहीं रखा है पौधा। पर हल्की हल्की बारिश इस पर आ जाती है जब साइड से बारिश पड़ती है। ये मैंने इसकी किस स्टेम ले ली है, मैं इसकी कुछ और स्टेम ले लेती हूँ। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको सभी को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है। आप इसको इंडोर आउटडोर किसी भी तरह रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे अपने रूम में भी रख सकते हैं। ये पौधा धूप में भी चल जाता है और छाया में भी। ये मैं इसकी कुछ और कटिंग्स ले लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कटिंग ले ली है इनकी बड़ी बड़ी सी, और जो मुझे लग रहा है कुछ और उनको मैं ले लेती हूँ। मनी प्लांट को अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट हेल्दी रहे, तो मीडिया इसके लिए एक पोरस मीडिया यूज़ कीजिए, पानी जिसमें खड़ा ना हो। और आप इसको 5-6 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के अलावा इसको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, वर्मी कंपोस्ट ही इसके लिए काफ़ी है। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा पोट लिया है और इसमें मैंने ये स्टैंड की तरह बनाया है और इन्हीं में लगाएंगे हम अपनी ये सारी की सारी मनी प्लांट की कटिंग। मनी प्लांट को सभी को अपने घर में लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है घर में लगाने के लिए और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको ध्यान भी नहीं देंगे तो भी ये हमेशा आपका ध्यान अपनी खूबसूरती से अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसको किसी तरीके की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसमें 2-3 दिन पानी भी नहीं डालेंगे तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही अच्छे से चलता रहेगा। खाद इसमें आप 4-5 महीने में एक बार दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। उसके अलावा इसको किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए, ये मैं इसमें रोल कर देती हूँ जो मैंने स्टिक से स्टैंड की तरह बनाया है इसमें, और 2 वायर लगाए हैं उन पे हम अपनी ये मनी प्लांट की कटिंग को रोल कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए इसमें साइड से भी न्यू शूट्स और रूट्स निकलने को बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ईजीली चल जाता है। इसकी कटिंग रेयरली ऐसा होता है कि मनी प्लांट की कोई कटिंग ख़राब हो, वरना कभी भी मनी प्लांट की कोई कटिंग ख़राब नहीं होती। ये बहुत अच्छे से ऐसे ही चलता रहता है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बड़ी लीव्स वाली, इससे भी छोटी लीव्स वाली, वेरिएशन वाली, और एक आता है गोल्डन मनी प्लांट। उसकी जो लीव्स होती हैं वो गोल्डन लुक लिए हुए लेती हैं रहती हैं। एक्चुअली वो प्योर गोल्डन नहीं होता, वो कुछ ग्रीन और नियोन कलर का मिक्सचर होता है। मेरे पास है वो, मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है वो प्लांट। मैं दिखाऊंगी जल्दी कि वो कैसा होता है। हाँ, पर वो थोड़ा महंगा मिलता है। मनी प्लांट आपको नॉर्मली 50 से 100 रुपीज़ की रेंज में ये मिल जाता है, डिपेंड ऑन द साइज़ कि ये कितना बड़ा है, कौन सी इसकी वैरायटी है। कुछ वैरायटी मनी प्लांट की काफ़ी महंगी रहती हैं और उसी में से एक है हमारी गोल्डन मनी प्लांट। गोल्डन मनी प्लांट भी आपको 250 से 300 और कुछ नर्सरी पे 300 से ऊपर भी इसका प्राइस है। देखिए बारिश थोड़ा तेज़ हो गई है, अभी तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी बारिशें हो रही हैं। रोज़ तो नहीं होती बारिश, पर 2-3 दिन में बारिश ज़रूर हो जाती है।
और ऐसा मौसम बहुत अच्छा रहता है किसी भी पौधे की कटिंग को तैयार करने के लिए। जब धूप कम निकलती है, मौसम में नमी बनी रहती है। मौसम में नमी बने रहने से ये फ़ायदा होता है कि आप जब कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग का मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता, आपकी कटिंग्स में मॉइस्चर हमेशा बना रहता है। और कटिंग्स को चलाने के लिए, उनमें हेल्दी रूट डेवलप करने के लिए कटिंग में मॉइस्चर बना रहना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में कटिंग नहीं लगानी चाहिए। गर्मियों में क्या होता है कि कटिंग से सारा मॉइस्चर उड़ जाता है। अब देखिए, ये सारी की सारी कटिंग्स मैंने लगा दी हैं। मैं इन स्टैंड्स पे इनको रोल कर देती हूँ। इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा लुक आएगा और जब ये इनमें रूट डेवलप हो जाएगी तो ये न्यू लीव्स अपनी निकालेगी और न्यू शूट्स निकालेगी, तो ये गमला हमारा बिल्कुल भर जाएगा। ये मैं इसमें एक्स्ट्रा लीव इसकी हटा दी है मैंने, ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो उसका 2 या 3 इंच हिस्सा मिट्टी में दबा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा नोड आप मिट्टी में दबाएंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं इसमें रूट जल्दी डेवलप होने की। सॉइल मीडिया इसका बिल्कुल पोरस रखिए, पानी इसमें खड़ा ना हो। चाहे हमारा कोई भी प्लांट हो, मीडिया उसका इतना पोरस होना चाहिए कि पानी उसमें कभी भी खड़ा ना हो, क्योंकि पानी कभी भी, क्योंकि पौधे हमारे बिना पानी से इतना नहीं मरते जितना कि वो ज़्यादा पानी देने से मरते हैं। ज़्यादातर पौधे हमारे ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होते हैं। ओवर वाटरिंग से हमारे पौधों में रूट रॉटिंग की समस्या आती है, फंगस लग जाती है और जिससे हमारा पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो बहुत कम समय लेते हैं, 2 या 3 दिन में ही उनमें फंगस अटैक हुआ और वो रूट रोट से ख़राब बिल्कुल हो जाते हैं। ये देखिए, और ये कटिंग्स हमारी लग के बिल्कुल तैयार है। धूप में इसको नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे हम सेमी शेड में, और 20 दिन के अंदर अंदर इसमें बहुत अच्छी रूट डेवलप हो जाएगी। उसके बाद इसको रख देंगे हम ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको 2-3 घंटे की अच्छी सुबह की सनलाइट मिल जाती हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।